ये व्हाट्सअप गाइस, यू वाचिंग टैक्सीट। दोस्तों आज मैं आपको बहुत जबरदस्त गैजेट दिखाने वाला हूँ जो आपकी लाइफ बिल्कुल आसान बना देगा। दोस्तों अगर आप एक DSLR कैमरा इस्तेमाल करते हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी 100%। अच्छा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जब भी आप अपना DSLR कैमरा यूज़ करते हैं, फोटो शूट करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो बहुत ही जल्दी हमारी जो बैटरी होती है कैमरे की बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों जो बैटरी का साइज होता है वो कंपनी वाले बहुत कम डालते हैं, यानी कि बहुत कम mAh का जो है बैटरी इसमें देते हैं, चाहे वो 50,000 का कैमरा हो या 1,00,000 रुपए का कैमरा हो। एंड दोस्तों आपको तो पता ही जो DSLR की क्वालिटी होती है, वीडियो क्वालिटी, इमेज क्वालिटी, वो बहुत हाई होती है, तो उसमें ज्यादा बैटरी रिक्वायर्ड होती है। तो आप आधे घंटे, पौने घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और आपकी बैटरी जो है वो खत्म हो जाएगी। एंड आपको फिर से उसे 1 से 1.5 घंटे चार्ज पे लगाना होगा, इतना वेट करना होगा, देन फिर से आप शूट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन तो आपके माइंड में वैसे आ ही गया होगा। आप सोच रहे हो दोस्तों कि मैं एक सेपरेट बैटरी ले लूंगा और उसे भी चार्ज करके रखूंगा, जैसे ही बैटरी खत्म होगी मैं उसे स्वैप कर दूंगा और दूसरी वाली को चार्ज पे लगा दूंगा। हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, बट जब आप लाइव स्ट्रीम करते हैं, लगातार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो ये मेथड भी काम नहीं आता है, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। और जो बैटरी आप लेंगे वो कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपए की आएगी, चाहे आप किसी भी ब्रांड की ले लें। और जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये लगभग आपको 1500 रुपए से 3000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ओरिजिनल बैटरी लेने की क्या जरूरत है, किसी भी कंपनी की ले लो, बस कंपेटेबल होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, जब भी आप कोई बैटरी लेते हैं तो ओरिजिनल बैटरी जितना बैकअप कोई कंपेटेबल बैटरी नहीं दे सकती है, चाहे वो जितना मर्जी क्लेम कर लें। तो फाइनली इस गैजेट की बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है डमी बैटरी। दोस्तों ये बेसिकली होती क्या है, इसके अंदर आप सिंपली जैसे कि देख सकते हैं ये सेम उसी साइज की है जिस साइज की हमारी ओरिजिनल बैटरी होती है, और ये बिल्कुल उसी तरह से काम करती है, बट इसके अंदर बैटरी नहीं होती है। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसके अंदर वायर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फीमेल कनेक्टर में वायर कनेक्ट हो रहा है, और साथ में दूसरा वायर होता है जो कि एक कपलर से आता है। तो ये क्या करता है, तो ये इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। एंड दोस्तों ये पूरा आपका पेयर इस तरह से बन जाता है। अब आपको सिंपली करना क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा कैमरा होता है वहां पर स्पेशल इसके लिए जगह दी जाती है ताकि वायर निकल सके, कोई जुगाड़ नहीं है, ये एक्चुअल में एक वे है हमारे जो कैमरे की बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए। तो अब इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो कैमरा है वो डायरेक्टली पावर सोर्स से चलेगा, या तो आप पावर बैंक से चला सकते हैं या फिर आप किसी भी फास्ट अडेप्टर में इसे लगा के डायरेक्टली इसे पावर ऑन कर सकते हैं, और आप लगातार 1-2-3 घंटे तक वीडियो रिकॉर्ड आराम से कर सकते हैं, बस शर्त है कि आपका कैमरा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उसका इनपुट वैल्यू है वो देखिए, ये इनपुट में 5 वोल्ट लेता है एंड आउटपुट के अंदर ये आपको 8.4 वोल्ट देता है, तो ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम करता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक कनेक्ट करके दिखाता हूँ हमारा अडैप्टर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अडैप्टर है दोस्तों, ये 30 वोल्ट का अडैप्टर मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये 5 वोल्ट एंड 6 एम्पियर तक का आउटपुट देता है, तो ये बिल्कुल इसके लिए आइडियल है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रियलमी का चार्जर है, फास्ट वोक चार्जर है। तो मैं सिंपली मैंने इसमें लगा दिया, मैं डायरेक्टली इसे कनेक्ट करूंगा पावर सोर्स से, तो मैंने इसे पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर LED आ गई है, कैमरे के अंदर भी आ गई है और यहाँ पर इस कपलर के अंदर भी LED आ गई है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कैमरा ऑन कीजिए एंड गुड टू गो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यही कि ये प्रॉपर लोड पे काम करता है, फ्लैश वगैरह सब बढ़िया से काम करता है, कोई टेंशन नहीं होती है, शटर वगैरह सब बढ़िया काम करता है। मैं आपको कुछ सैंपल लेके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये कमाल के गैजेट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अमेजोन वगैरह से भी देख सकते हैं, हर कैमरे का अलग मॉडल वाइज होता है ये। एंड दोस्तों अगर आपको ये मेरे थ्रू लेना है तो नीचे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपको वहीं रिप्लाई करूंगा। एंड दोस्तों इसके अलावा भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहीं रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप नीचे दिए लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए वहां पर। सो मिलता हूं आपसे, बाय फॉर नाउ, सी नेक्स्ट टाइम।